हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, मैंने ये 4 वीक पहले गुलदाउदी की कटिंग आपके साथ शेयर की थी, तो देख लेते हैं फ्रेंड्स 4 वीक बाद इसका क्या रिजल्ट है। जो मैंने ये कटिंग लगाई थी, ये देखिए ठीक लग रही है। तो अब देख लेते हैं रूट्स बने हैं कि नहीं। निकाल के हल्के हाथ से निकाल के देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये फोर वीक में इसके रूट्स बन गए हैं। ये मैंने आपके साथ शेयर की थी, धो देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, रूट्स आ गए हैं 4 वीक में। तो अच्छा रिजल्ट है फ्रेंड्स ये गुलदाउदी का, नेक्स्ट सीजन के लिए हमारे प्लांट्स तैयार हो जाते हैं फ्रेंड्स। हमें इसका ये फ़ायदा है कि हम एक प्लांट से ही कई प्लांट तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो हमें नर्सरी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनकी हम डिवाइड करके, मल्टी करके कितने ही प्लांट्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको अभी यहाँ ही लगा देते, थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर इनको अलग कर देंगे। तो ये जैसे हम इनको अलग कर देंगे तो हमारे और प्लांट्स तैयार हो जाएंगे और प्लांटर में लगा देंगे, और थोड़ा सा अभी बड़े बड़े हो जाएं, अभी छोटे हैं। तो और यहाँ से फ्रेंड्स ऊपर से भी पिंचिंग करते जाएंगे तो ये बूशी बूशी से बनते जाएंगे। और दूसरे फ्रेंड्स, मैंने ये एक आंवला के भी सीड से ग्रो 2 वीक पहले बताया था करना। तो एक तो मिट्टी में लगाए थे मैंने सीड्स आंवला के, एक ये कोकोपीट में था। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये इसका तो एक ही ग्रो हुआ है, 3 लगाए थे या 2 लगाए थे, इसमें भी 2-3 लगाए थे। तो ये देखिए निकले तो थे ये, लेकिन अभी एक ही दिख रही है, शायद खराब हो गया है। ये देखिए, तो ये तो हमारा हो गया फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा आपके साथ अब शेयर कर लें। और ये फ्रेंड्स मेरे पास ये एक ही प्लांट था ना गुलदाउदी का, ये जो इस गमले में लगा हुआ था फ्रेंड्स, एक ही प्लांट। तो ये ना गमला, मैंने जगह की प्रॉब्लम है ना, तो ये दूसरे प्लांटर पे रख दिया, तो साइड से साइड बज गई किसी की कुर्ते, तो ये फिर गिर के टूट गया। तो जो मैंने इसको निकाला, पूरा निकल आया इसका रूट बॉल। तो फ्रेंड्स फिर मैंने इनको डिवाइड कर दिया, ऐसे कई बॉटल्स वेस्ट पड़ी थी मेरे पास, तो मैंने काट काट करके ये सभी को ऐसे अलग अलग करके लगा दिया बॉटल्स में। ये देखिए ऐसे एक एक एक, तो फिर मेरे ये बॉटल यूज हो गई वेस्ट पड़ी थी, दूसरा मेरे प्लांट भी कई बन गए। अब फ्रेंड्स इसको हम ऐसे करेंगे कि ये ऊपर से ऐसे ऐसे टिप से कट करके और कटिंग लगा देंगे, और नीचे अपना ग्रो होते रहेंगे। तो इसको क्योंकि हम जब ऐसे यहाँ से फ्रेंड्स इसकी कटिंग है ना, जो ज़्यादा बड़ी सगो नहीं लेनी चाहिए, सगो इसका जो जितनी छोटी होगी ऐसे यहाँ से लेंगे जैसे हम, तो उतनी जल्दी फ्रेंड्स इसकी कटिंग चलेगी, सरवाइव करेगी। तो फ्रेंड्स ये हमारे इस तरह हम अपने कई प्लांट्स बना सकते हैं एक प्लांट से। तो ये काफ़ी अच्छा फ्रेंड्स गुलदाउदी का बहुत अच्छा फ्लावर्स देने वाला परमानेंट ये प्लांट है।
वे बहुत अच्छे लगते हैं इनके फ्लावर। वैसे मेरे को अब कलर तो इसका नहीं है याद, जब फ्लावरिंग होगी अक्टूबर सितंबर में नवंबर तक जब भी तो पता लग जाएगा। और ये कि ये फ्रेंड्स मैंने ये भी मैंने लगाई थी 2 हफ्ते पहले जेड प्लांट के, इसके भी ये देखिए रूट्स निकल आए हैं, ये देखिए इसके भी रूट्स निकल आए हैं। तो अभी तो यहाँ ही लगा देते हैं, जेड प्लांट की लगाई थी, ये भी जल्दी ही कटिंग से हो जाता है फ्रेंड्स ग्रो। और ये मनी प्लांट की भी लगाई थी, ये देखते हैं मिट्टी में। वैसे तो ये फ्रेंड्स इजीली हो जाता है मिट्टी में लगाएं या पानी में लगाएं। तो इसकी ये देखिए रूट ऐसे दिख रही है, ये तो फ्रेंड्स बड़ी आसानी से मिट्टी और पानी में दोनों में ही चल पड़ता है। मनी प्लांट की जो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी अभी यहाँ ही दबा देते हैं। तो एक फ्रेंड्स ये भी मैंने मार्च अप्रैल में इस छोटे से प्लांट पॉट में लगाया था गुलदाउदी का, अब इसको भी मैं ऐसे ही करूँगी, यहाँ से काट दूँगी और कोई बॉट पड़ा होगा खाली, जैसे कोई बॉटल ही उसमें लगा दूँगी। तो फिर ये मेरे फ्रेंड्स नेक्स्ट सर्दियों में एक प्लांट से गुलदाउदी के काफ़ी प्लांट्स बन जाएंगे। तो ये कम से कम ये तो मेरे को फिर नर्सरी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं फ्रेंड्स इनके जो फ्लावरिंग होती है, जो हम कटिंग्स फ्रेंड्स लगाते हैं गुलदाउदी के उन पे बहुत ज़्यादा कटिंग होती है फ्लावरिंग, गुच्छों में फ्लावर्स आते हैं और हम जैसे एक साथ रख दें तो बहुत प्यारे लगते हैं। फिर ये गुलदाउदी के सारे एक साथ फ्लावरिंग हो रही होती है ना तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैंने सोचा ये मैं आपके साथ अपने शेयर कर लूँ, अपने अपडेट दे दूँ। ये जो गुलदाउदी की कटिंग लगाई थी और ये सीड्स से आंवला ग्रो किया था मैंने, तो ये फ्रेंड्स हो जाते हैं आसानी से आंवला का प्लांट, ये देखिए मिट्टी में भी और कोकोपीट में भी हो जाता है, देखिए अभी ये छोटे हैं। इस सीडलिंग शायद जो ये हुई थी ना पता नहीं क्यों ख़राब हो गई है, या तो कोई ये हो सकता कोई चिड़िया वगैरह ने कोशिश की हो, ये पता नहीं कौन सा है इसका भी पता नहीं लगेगा, लेकिन ये आंवला का सीड है और ये भी ऊपर से लगता है कोई चिड़िया ने कट कर दिया है यहाँ से। तो ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।